मैग्नेटिक मेटीरियल, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मैटीरियल। तो बेटा सिंपल है, जैसे वो था कि डेफिनेशन में ही चेंज करते करते आप सब कुछ चेंज कर सकते बेटा। आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो डेफिनेशन है कि आर दो सब्सटेंस विच शोज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यस शो करेंगे बट लार्ज होगा। अब ये बार क्या होगा, लार्ज मैग्नेटिक मूवमेंट व्हेन दे आर प्लेस। देखिए बेटा आपने क्या लिखा है, इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बेटा, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा बेटा, लार्ज होगा। क्या होगा बेटा, लार्ज, दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट इज लार्ज। जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे आप, दे आर मैग्नेटाइज, लेकिन कैसे, नॉट फीबली, कैसे, स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज, दे आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज, दे आर स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो बेटा क्या हो जाएंगे, वो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। ओके और किस डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में बेटा, ये कंडीशन। अब पहली प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी बेटा जो बिल्कुल सिमिलर है उसकी, सॉरी पैरा की सेम चलेगी, पैरा की तरह वो एकदम फिक्स। इसमें क्या था, थोड़ा टाइम लग सकता है कुछ सेकंड का पैरा के लिए, लेकिन फेरो में क्या हुआ, एकदम अर्ली, बिल्कुल एकदम तुरंत, इंस्टेंटली एकदम आ जाएंगे, क्विक क्विक एक्शन शो करेगा ये। यस दैट इज सेम फॉर फेरो, दैट प्रॉपर्टी आल्सो सेम फॉर फेरो। इसकी मोशन क्यों होगी, थोड़ी स्लो हो सकती है, ये मूव करेगा फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, लेकिन स्लो, थोड़ा हा स्लो करेगा, लेकिन बेटा यदि फास्ट मूव करे फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर तो क्या होगा, फेरो, क्या होगा बेटा, वो फेरो होगा। ये वाला मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है और ये मूव करे ऐसे, तो इसका मतलब लेकिन फास्ट करे, कैसे कर रहा है, फास्ट, ये कौन सा बेटा, फेरो, क्या ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फास्ट चलेगा। अब ये एकदम राइज, क्विक राइज, यस आल्सो राइज, लेकिन कैसा, क्विक राइज, क्विक राइज करेगा तो किसके लिए, ये फेरो के लिए, किसके लिए बेटा, फेरो के लिए। नाउ था नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, यस ऑल द लाइन, सारी की सारी लाइने बेटा, सारी की सारी लाइने यदि हम एक्सटर्नल फील्ड में इस स्पेसिमेन को रख दें, इस फील्ड में, यहां ये है नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल बेटा, तो सारी सारी लाइनें बेटा यहां से जाएंगे, ऑल द लाइन्स आर पास थ्रू दिस, ऐसे बेटा ऑल द लाइन्स, ऐसे ऑल द लाइन विल पास, सारी सारी लाइनें क्या होगा बेटा, अंदर से ही जाएंगी, याद रखना है ये बात, अंदर से ही जाएंगी। तो ये स्पेसिमेन कौन सा बेटा, ये स्पेसिमेन आपका क्या है बेटा, फेरो, क्या बेटा, ये फेरो, क्या ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी ये वाली बेटा, यहां क्या था, ग्रेटर देन वन, लेकिन यहां क्या होगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लार्ज ग्रेटर बेटा, ज्यादा, इसका मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी इज ग्रेटर देन वन, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिर क्या था बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जब उसकी थोड़ी ज्यादा थी तो इसकी क्या आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव एंड लार्ज, पॉजिटिव एंड लार्ज, ये बेटा आपकी फेरो के लिए कंडीशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, यस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, यस राइट है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, लेकिन बेटा आप टेम्परेचर इंक्रीज करते रहो तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज होती होती वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, पैरा के। इट मीन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन से, फेरो कन्वर्ट हो सकती है किसके अंदर बेटा, पैरा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी, कौन सा बेटा, क्यूरी टेम्परेचर, कौन सा होता है वो, क्यूरी टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो गया, पैरा में, डायमंड होंगे क्योंकि तो नेगेटिव वैल्यू होती है बेटा, आप इसको इंक्रीज करते चल जाओ, जब आप इसको क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू क्यों जाएगी बेटा, डिक्रीज होती आएगी, डिक्रीज होती होती ज्यादा पॉजिटिव थी तो कम पॉजिटिव हो जाएगी, तो कम पॉजिटिव क्यों होती है बेटा, पैरा, क्यों होती है वो, पैरा होता है,
तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। एंड नाउ एग्जांपल देखिए बेटा, केमिस्ट्री क्या बोलती है, इसके अंदर फेरो के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, लार्ज, क्या होंगे, लार्ज अनपेयर, क्या होंगे, लार्ज अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हम यहां जो है इसका एग्जांपल क्या देते हैं बेटा, इसका एग्जांपल जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल, जैसे कि बेटा आपने आयरन दिया है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट निकल दे दिया, आयरन दे दिया, और क्या बेटा, कोबाल्ट, आयरन, निकल एंड अलॉय, एंड अलॉय, ऑल दिस एंड अलॉय, ये जो है बेटा किसके एग्जांपल है, आर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये था बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। ये क्या बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं कंपटीशन में, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट होते हैं। ओके।